भारतीय संस्कृति के महानतम दो महाकाव्यों में से एक है रामायण। हमारे बुजुर्ग रामायण के पौराणिक कथा से महान कहानियां हमें अक्सर सुनाते हैं, लेकिन पर्याप्त सबूत ना होने के कारण हम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ाते हैं कि रामायण केवल एक लिटरेरी फिक्शन है, ना कि एक ऐतिहासिक वैसियतनामा। लेकिन अभी तक कुछ ऐसे प्रमाणों की खोज मिले हैं जो साबित करता है कि रामायण की घटना काल्पनिक नहीं है, जैसे कि रावण का महल का अस्तित्व, हनुमान के पदचिन्ह की खोज। ऐसे 10 महत्वपूर्ण सबूत आज आपके सामने पेश करने वाला हूं दोस्तों, जिनसे आप लोग ये विश्वास करने लगोगे कि रामायण की घटनाएं 100% सच है, सभी घटनाएं वास्तविक है। तो फिर चलिए देखते हैं उन सबूतों को। रावण ने सीता मैया को अपहरण करके जब अपने महल में रखना चाहा, तब सीता मैया ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने बाहर अशोक पेड़ के नीचे रहना पसंद किया, इसलिए उस जगह का नाम अशोक वाटिका है। हनुमान जब सीता मैया की खोज में लंका गए, तब हनुमान ने अशोक वाटिका के अधिकांश भागों को तोड़फोड़ कर दिया। बट आप जानकर आश्चर्य होंगे दोस्तों कि ये अशोक वाटिका जगह आज भी है। श्रीलंका के हग्गला बोटानिकल गार्डन में ये अशोक वाटिका आज भी स्थित है। सो दोस्तों, ये रामायण का एक बहुत बड़ा सबूत है जो आज भी जिंदा है। हनुमान जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो कहा जाता है कि वो विशाल आकार में आए थे। श्रीलंका में निवारा इलैया नाम का एक जगह है जहां सीता मैया की एक मंदिर है। उस मंदिर के पास एक झरना है। कहा जाता है कि उस झरने में सीता मैया नहाती थी। हनुमान सीता मैया को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे, इसलिए इस झरने की पत्थर के ऊपर आज भी हनुमान के बड़े बड़े पैरों का निशान है। यहाँ से थोड़ी दूर में वो पर्वत है जहाँ लंका पहुंचकर हनुमान ने अपना पैर सबसे पहले रखा था। इस पर्वत में भी हनुमान के पैरों का निशान आज भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे आश्चर्य की बात है, झरने के पास पदचिन्ह और पर्वत के पदचिन्ह दोनों की नाप और आकृति बिल्कुल सेम है दोस्तों। श्रीलंका के सिगिरिया में कोबराहुट केव नाम का एक गुफा है, जिसे पुरातत्वविदों ने 100% श्योर होकर कहा कि इस गुफा में कभी किसी का वास नहीं था। ये गुफा 100% प्राकृतिक गुफा है। रामायण के अनुसार सीता मैया को कोबराहुट केव में कैद करके रखा गया था। इस गुफा के बारे में रहस्यमय बात यह है कि गुफा के दीवार पर गुफा चित्र है, जिनमें देखी जाती है सीता मैया को असुरों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और इसके अलावा गुफा में एक शिलालेख भी है जिसमें परुमा का नगुलिया लेने ये लाइन लिखा हुआ है, जो ये निश्चित करता है कि सीता मैया इस गुफा में ही थी, क्योंकि रावण के कब्जे में रहते समय सीता मैया को रक्षा करने वाले असुरों ने उन्हें नगुलिया नाम से बुलाते थे। ये सेम नाम दीवार पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सबूत है जो ये कन्फर्म करता है कि रामायण की घटना बिल्कुल वास्तव में ही हुई थी। लंका में रावण को हराकर श्रीराम जब सीता मैया को वापस ला रहे थे, तब सीता मैया को अग्नि परीक्षा के माध्यम से पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी। जिस पेड़ के नीचे सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी, वो जगह आज भी श्रीलंका के दिवुरुमपुला में स्थित है। और दोस्तों, वहां आज भी एक पेड़ है जिसके नीचे बैठकर स्थानीय विवादों को बहस और चर्चे के माध्यम से सुलझाए जाते हैं। जब रावण ने सीता मैया को अपहरण करके ले जा रहा था, तब गीत के रूप में जटायु ने रावण को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जटायु ने सीता मैया को अपहरण होने से बचा नहीं पाया। रावण ने जटायु को मारकर नीचे गिरा दिया। श्रीराम ने हनुमान के साथ जटायु को मरते वक्त में मिले और श्रीराम ने लेपक्षी शब्द का उच्चारण करके मोक्षा प्राप्ति करने में जटायु का मदद किया। लेपक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका अंग्रेजी अर्थ है राइज बर्ड। दोस्तों, इसी घटना के कारण आंध्र प्रदेश में लेपक्षी नाम के जगह को जटायु का स्थान माना जाता है, और यहाँ पर भी हनुमान के बड़े बड़े पैरों के निशान आपको देखने को मिलेगा। रामायण के सुंदरकांड में कहा गया है कि हनुमान लंका में प्रवेश करने पर 4 दांतों वाले हाथियों को रावण के महल की रक्षा करते हुए देखते हैं। ये हाथिया हाइट में ज्यादा लंबे थे और लंका को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए प्रशिक्षित थे।
खैर फॉसिल स्टडी करने से पता चलता है कि आधुनिक हाथी के इवोल्यूशन में कई सारे स्टेप्स थे, और रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि लगभग 20 मिलियन साल पहले तरह तरह के साइज और शेप में चार दांतों वाले हाथी जैसे कि ट्राइलोफोडन, टेट्रालोफोडन, गोम्फोथेरियम एटसेट्रा, इनका अस्तित्व था। दोस्तों कोंदाकाट्टू कला उस स्थानों में से एक है जहां रावण ने सीता मैया को छुपाने के लिए स्थानांतरित कर दिया था, क्योंकि रावण का शक था कि हनुमान कभी भी आ सकता है सीता मैया को बचाने के लिए। इस क्षेत्र में बहुत सारे सुरंगें और गुफाएं हैं। ये सुरंगें और गुफाएं आपस में एक पूरा नेटवर्क जैसा है जो रावण के सभी मेजर एरियाज के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों आप श्रीलंका के कोंदाकाट्टू कला में जाकर आज भी रामायण के इन सबूतों को देख सकते हैं। कोंदाकाट्टू कला के सुरंगे रावण का आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर आप आज भी इन सुरंगों को बारीकी से देखोगे तो समझोगे कि ये मैनमेड है, ना कि नेचुरल फॉर्मेशन। और दोस्तों कलुतरा नाम के एक जगह में आज एक बुद्धा मंदिर है जो कभी रावण का महल हुआ करता था, और रावण के महल भी सुरंगों के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। दोस्तों लंका पहुंचने के लिए श्रीराम को समुन्दर पार करना पड़ा, इसलिए श्रीराम ने अपने बंदर सेनाओं को भारत और लंका के दोनों जमीनों के बीच एक ब्रिज बनाने का आदेश दिया, और श्रीराम के दिव्य शक्ति के साथ पत्थर पानी पर तैरने लगे। दोस्तों नासा ने आज ये कंफर्म किया कि हाँ, दोनों देशों के बीच में एक पुल था, और पुल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ये बताता है कि ये पुल डेफिनेटली मनुष्य द्वारा बनाया गया था। और सिर्फ नासा ही नहीं, डिस्कवरी साइंस चैनल भी ऐसा दावा करता है। दोस्तों विजयदशमी वो दिन है जब लंका में श्रीराम ने रावण को हराकर सीता मैया को बचाए थे। हराकर श्रीराम अपने बंदर सेनाओं के साथ अपनी पत्नी को अयोध्या वापस ले आए। 21 दिनों के बाद वे लंका से अयोध्या लौट आए, और ये तो हमें पता ही है उनकी वापसी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आज भी गूगल मैप के अनुसार लंका से अयोध्या पैदल यात्रा करने में कुल 21 दिन लगता है, और देखिए विजयदशमी और दिवाली के बीच में भी ऑलमोस्ट 21 दिनों का ही डिफरेंस है। सो दोस्तों इन 10 सबूतों के बाद क्या आपको अभी भी डाउट है रामायण की वास्तविकता को लेकर? आपकी राय आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द लौटेंगे एक और कमाल की वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।